नमस्कार, मैं शिवम एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट से वेलबींग बाई PBN में आपका स्वागत करता हूं। आज का आसन होगा हमारा सर्वांगासन। सो आइए उसको हम कैसे कर सकते हैं और उसके हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, सो आइए हम करते हैं। पहले हम दंडासन बैठेंगे, फिर वहीं से धीरे से अपनी कमर के बल हम लेट जाएंगे और ऐसे ही सांस भरते हुए हमने पहले दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री एंगल पे लेके आना है। फिर वहीं से लेग्स को अपने सर से पीछे लेके जाएंगे और साथ में आपके हिप्स भी लिफ्ट हो जाएंगे और अपने पाम से सपोर्ट देनी है अपने बैक के ऊपर और फिर धीरे धीरे हमने पैरों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते जाना है। हमारी बॉडी वन लाइन हो जाएगी, सारा वेट हमारे शोल्डर्स के ऊपर होगा। सो इससे हमारे शोल्डर अपने शोल्डर स्ट्रांग होती है, हमारी एल्बो पे सारा वेट आ जाता है तो हमारी एल्बो भी स्ट्रांग होती है। और फोकस करके रखते हैं हम अपने टोज के ऊपर और फिर ऐसे ही धीरे से हम वापस आते हैं। सो अपने लेग्स को पहले अपने सर से ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे नी को बेंड करेंगे, पहले अपनी कमर को नीचे टच करेंगे, फिर हिप्स, देन लेग्स और ऐसे ही फिर धीरे से लेट कर हम रिलैक्स करेंगे। तो ये था सर्वांगासन। तो ये आसन कौन ना करें और कौन करें तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। जिनको BP की प्रॉब्लम होती है या जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको माइग्रेन होता है, वो इसको थोड़ा अवॉइड करें, ना करें। और किनको ये करना चाहिए, जिनको फेस पे ग्लो चाहिए या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको शोल्डर फ्रोजन है, वो लोग इसको कर सकते हैं। और ये आपका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्लड फ्लो आपका रिमूव, आपका उल्टा हो जाता है थोड़ा और आपके फेस पे और आपके लंग्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो आप उस आसन को कर सकते हैं और इस आसन के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उनके जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।